हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट्स इन पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट का मतलब क्या हुआ? दो रेसिस्टेंसेज या तीन रेसिस्टेंसेज या मोर देन थ्री रेसिस्टेंसेज, कितना भी नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेज हो उसको पैरेलल में जोड़ते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में प्रत्येक रेसिस्टर से होकर कितना करंट फ्लो होगा यही हमको जानना है। तो पहले सबसे पहले हम बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म की बात करते हैं। मात्र दो रेसिस्टर जुड़े हुए हैं, एक रेसिस्टेंस है, इसका एक का रेसिस्टेंस का वैल्यू R1 है, दूसरे का R2 है। आई करंट जा रहा है तो आई करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ करंट R1 से होकर जाएगा, कुछ करंट R2 से होकर जाएगा। हमने माना कि I1 करंट R1 से होकर जा रहा है और I2 करंट R2 से होकर जा रहा है। हम इस टर्मिनल का नाम रखे ए, इस टर्मिनल का नाम रखे बी, यहाँ का पोटेंशियल माने वी ए, यहाँ का पोटेंशियल माने वी बी। तो कैसे करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यह देखिए। हम लिख सकते हैं क्या कि वी ए माइनस वी बी दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज आई इंटू आर होता है, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई वन इंटू आर वन लिख सकते हैं क्या? तो हम लिखते हैं दिस इज आई वन इंटू आर वन। हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई टू इंटू आर टू, क्योंकि दोनों के लिए पैरेलल में है इसलिए दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है। तो हम इसको लिख सकते हैं ऑल्सो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई टू आर टू, दिस इज इक्वेशन टू। वन और टू से हम लिख सकते हैं कि आई वन या वन में डिवाइड कर दीजिए टू से, तो हम लिख सकते हैं कि I1 वन बाई आई टू इज इक्वल टू आर टू बाई आर वन, या लिख सकते हैं I1 वन आर वन बराबर आई टू आर टू, क्योंकि लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड भी बराबर होगा, देन I1 वन बाई आई टू बराबर है आर टू बाई आर वन। इतना हम लिख सकते हैं। अब हम पहले I1 निकालते हैं। I1 कैसे निकालेंगे देखिए, हम लिख सकते हैं इसको I1 वन बाई आई टू इज इक्वल टू, हम डिविडेंडो करते हैं या कंपोनेंडो करते हैं, पहले हम कंपोनेंडो करते हैं। आप जानते होंगे मैथमेटिक्स में कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, मैं थोड़ा समझा दे रहा हूं, याद दिला दे रहा हूं, आप जानते होंगे पहले से। अगर अगर a बाई बी सी बाई डी के बराबर हो तो a प्लस बी बाई बी भी सी प्लस डी बाई डी के बराबर होगा, इसको कहते हैं कंपोनेंडो। इस रूल को क्या कहते हैं? कंपोनेंडो। ये हुआ बाई कंपोनेंडो। और डिविडेंडो क्या होता है? हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू सी बाई सी प्लस डी, इसको कहते हैं डिविडेंडो। यह हुआ बाई डिविडेंडो। हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि a बाई ए प्लस बी बाई ए माइनस बी बराबर है c प्लस डी बाई सी माइनस डी, इसको लिखते हैं बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये सब आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ाया गया होगा, हम केवल याद दिला रहे हैं, आप पहले से जानते होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं बाय डिविडेंडो आर टू प्लस आर वन बाई आर वन, ये हुआ बाय डीवी बाय कंपोनेंट, सॉरी बाय कंपोनेंट, या हम लिख सकते हैं कि I1 बराबर है R1 प्लस R2। यहां आप फिर से देखिए, यहां हम लिखे I1 R1 बराबर है I2 R2, तो लिख सकते हैं ना कि I1 बाई I2 बराबर है R2 बाई R1। तो यदि हम इसको हम दोबारा लिख रहे हैं कि I1 by I1 plus I2 लिखेंगे तो यह क्या लिखेंगे? R2 by
आर वन प्लस आर टू। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बाई डिविडेंडो, बाई डिविडेंडो। अब हम इसको लिख सकते हैं कि आई वन बाई आई, आई वन प्लस आई टू मिलकर क्या है, आई के बराबर है। दिस इज इक्वल टू आर टू बाई आर वन प्लस आर टू। इसलिए आई वन बराबर है आर टू बाई आर वन प्लस आर टू इंटू आई। ये आई चलाया यहां, इस तरह से आई निकल गया। सिमिलरली अगर हम यहां डिविडेंडो किए हैं, हम अगर कंपोनेंटो कर देंगे तब आ जाएगा सिमिलरली आई टू बराबर लिखेंगे आर वन बाई आर वन प्लस आर टू इंटू आई। तो आई वन का वैल्यू है ये आई टू का वैल्यू है। इस तरह से हम आई वन और आई टू का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि मोर देन टू रेसिस्टर्स हो तब क्या करेंगे, दो है तो हमने कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दिया। तो हम एक यूनिवर्सल मेथड बताते हैं जो दो के लिए भी उतना ही सत्य है जितना अनेकों के लिए एन के लिए सत्य है। तो हम ऐसा मेथड आपको फिर बता रहे हैं। अब इस मेथड को देखिए, हम लिख सकते हैं यहां हम तीन रेसिस्टेंस जोड़ दिए, तीनों पैरेलल में है, तीनों के बीच समान पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई वन आर वन, इसको इक्वेशन वन मानते हैं। दूसरा, अगर तीनों को हम अगर जोड़ दें पैरेलल में तो आर आर इक्विवेलेंट निकाल दें तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा, अगर तीनों का इफ आर बी द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन देन, आप जानते हैं कि 1 बाई आर इज इक्वल टू होता है 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री, या आर इज इक्वल टू होता है आर वन आर टू आर थ्री डिवाइडेड बाई आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर थ्री आर वन। ये आप पहले से जानते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या, सो वी ए माइनस वी बी बराबर हम लिख सकते हैं I इंटू आर, क्योंकि कुल करंट जा रहा है I और तीनों के बदले में एक ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम ले रहे हैं R, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू आई आर, इसको इक्वेशन दो मान लेते हैं। एक और दो से I1 R1 इज इक्वल टू आई आर। सो I1 इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज R बाई R1 इंटू आई, आर बाई आर वन इंटू आई। अब आर का वैल्यू हम यहां से इसमें पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर आर इक्विवेलेंट, आई वन इज इक्वल टू आर का वैल्यू है आर वन आर टू आर थ्री डिवाइडेड बाई आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर थ्री आर वन होल डिवाइडेड बाई आर वन इंटू आई। अब इस R1 से यह R1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, I1 इज इक्वल टू R2 R3 डिवाइडेड बाय इस पूरे वैल्यू को हम डेल्टा मान लेते हैं, डेल्टा इंटू आई, वेयर डेल्टा इज इक्वल टू R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, इस वैल्यू को मान लिया। इसलिए I2 बराबर क्या होगा, आप देखिए जब I1 निकाले थे तो R1 कैंसिल हो गया था, तो I2 निकालेंगे तो R2 कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे R1 R3 थ्री बाई डेल्टा इंटू आई। और उसी तरह से I3 निकालेंगे तो हो जाएगा R1 R2 टू बाई डेल्टा इंटू आई, क्योंकि R3 तब कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हम कितना भी हो तो एक रेसिस्टेंस से होते हुए हम एक वी माइनस वी भी निकाल लेंगे, फिर इसके बाद इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लेंगे, उसके लिए हम आर का वैल्यू इनपुट पुट कर देंगे और आपका इजीली करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इस सर्किट में हो जाएगा। अब हम इस पर एक बेस्ट एक प्रॉब्लम करेंगे।
देखिए यह एक पैरेलल सर्किट है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है 1 ओम 2 ओम और 3 ओम, 3 एम्पियर का करंट जा रहा है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इस सर्किट में कि कैसे होगा। तो सबसे पहले हम I1 निकालें, I1 क्या होगा, आपको मैंने बताया था फॉर्मूला सॉल्यूशन कि I1 इज इक्वल टू R2 R3 डिवाइडेड बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 इंटू I, बताया था। अब बताइए R2 इंटू R3 क्या हुआ, 2 इंटू 3, सो दिस इज 2 इंटू 3, हम लिख देते हैं सीधे 6 डिवाइडेड बाय R1 R2, तो 1 इंटू 2 दिस इज 2 प्लस R2 R3 दिस इज 2 इंटू 3 दिस इज 6 प्लस R3 R1 3 इंटू 1 दिस इज 3 इंटू I, I का वैल्यू 3 एम्पियर दिया हुआ है, दिस इज 3, सो दिस इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 11 हो गया, 11 इंटू 3 हो गया, सो दिस इज 18 बाय 11 एम्पियर I1 का वैल्यू। सिमिलरली I2 बराबर क्या होगा, अब हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, I2 बराबर होगा R1 इंटू R3, दिस इज 1 इंटू 3, 3 डिवाइडेड बाय दिस मच, वह वही रह जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 3 इंटू 3 एम्पियर, दिस इज इक्वल टू 9 बाय 11 एम्पियर। एंड I3 इज इक्वल टू, जब हमको I3 निकालना होगा तो यह R1 R2 होगा, 1 इंटू 2 दिस इज 2 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 3 दिस इज 6 बाय 11 एम्पियर, ये आपका आंसर होगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करंट कर सकते हैं। आइए एक प्रॉब्लम और लेते हैं, सपोज कीजिए कि 1 ओम 2 ओम और 3 ओम का रेसिस्टर है और एक बैटरी है, बैटरी का से एक रेसिस्टर जुड़ा हुआ है, 1 ओम का रेसिस्टर जुड़ा हुआ है, और तब हमको मालूम करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट कैसे होगा। तो इसके लिए क्या कीजिएगा कि पहले R इक्विवेलेंट निकाल दीजिएगा और कितना करंट इससे होकर जा रहा है यह करंट का वैल्यू निकाल दीजिए। तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, R इक्विवेलेंट ये जो पैरेलल में जोड़िएगा हुआ है प्लस उसके साथ सीरीज में जुड़ जाएगा ये, तो इसको पैरेलल में जोड़िएगा तो क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 आर वन आर टू आर थ्री आर वन इंटू आर टू प्लस आर टू इंटू आर थ्री प्लस आर थ्री इंटू आर वन दिस इज 3 इंटू 1 इंटू ये तो आर प्लस या 1 ओम है, दिस इज इक्वल टू 6 बाय 11 प्लस 1 दिस इज 11 प्लस 6 दिस इज 17 बाय 11 या ओम आर इक्विवेलेंट हुआ। सो I बराबर क्या होगा, I बराबर E बाय R या V बाय R, V या E EMF कितना है वो इसका 6 है, तो 6 बाय R दिस इज 17 डिवाइडेड बाय 11, सो 11 चला जाएगा ऊपर, 66 बाय 17 एम्पियर का करंट है, आई क्या वैल्यू निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इस आई को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यह सपोज कीजिए कि आई वन है, यह आई टू है, यह आई थ्री है, जैसे पहले निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। आई वन बराबर हो जाएगा आर टू आर थ्री, दिस इज 2 इंटू 3 6 डिवाइडेड बाय आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री R1 R2 plus R2 R3 plus R3 R1 this is 11 हो जाएगा, into I, I का वैल्यू यहां निकाले हैं, this is 66 by 17, तो यह क्या हो जाएगा 636 by 17 एम्पियर। उसी तरह से I2 निकालेंगे, I2 बराबर क्या होगा, I2 जब निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 3 से, this is 3
डिवाइडेड बाई 11 इंटू 66/17, यह हो गया 6, दिस इज 18/17 एम्पियर। सिमिलरली I3 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 2 दैट इज 2/11 इंटू 66/17, दिस इज 12/17 एम्पियर हो जाएगा। दीज आर द आंसर्स। तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे और किरचॉफ्स लॉ का प्रॉब्लम बताएंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।